वेलकम टू द एक्वापेट मॉल धनबाद। एक्वापेट मॉल धनबाद में आप सभी का स्वागत है। अभी हम प्रभु दर्शन धनबाद में खड़े हैं, पॉश लोकैलिटी इन धनबाद। ये टैंक जो आप देख रहे हैं सामने, ये सोबो की तरफ से आता है। 5 फीट लेंथ में है, 3.5 फीट हाइट है और 1.5 फीट इसकी विड्थ है। इफ वी ब्रिंग द कैमरा क्लोजर, इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें ऑलरेडी एक इंटेक और आउटलेट का कनेक्शन किया हुआ है। ये इसका आउटलेट हो गया, वो इंटेक हो गया। डुअल लाइट्स लगी हुई है, ब्रेसिंग किया हुआ है। बात करते हैं इसके सम सिस्टम के बारे में। तो इसमें एक ऑलरेडी बिल्ट सम सिस्टम आता है। इसमें सामने आ जाओ, कैमरा आगे ले आओ, फोकस करो इस पर। ये एक ऑलरेडी बनाया हुआ सम सिस्टम है। इसमें हम एक्टिवेटेड कार्बन, सिरामिक रिंग, बायो बॉल्स और स्पॉन्ज यूज करने वाले हैं। अब हम इसमें ये सब मीडिया यूज करने वाले हैं। ये जो मीडिया आप देख रहे हैं इसमें ये स्पॉन्ज फिल्टर्स है, ये कुछ बायो बॉल्स है, ये सिरामिक रिंग्स हैं, ये सिरामिक रिंग है और ये एक्टिवेटेड कार्बन है। जैसा कि ये वाला, ये एक्टिवेटेड कार्बन है। ये सब मीडिया हम इसमें यूज करने वाले हैं, फिल्टर मीडिया के जैसा। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग इन बिटवीन, पर ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो पार्ट वन होने वाला है हमारा। पार्ट टू होने वाला है जिसमें हम फिशेज ऐड करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल अरवानास या फिर बहुत ही हाई क्वालिटी हाई ग्रेड डिस्कस फिशेज। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन चल रहा है अभी हमारे क्लाइंट का। इज थिंकिंग अबाउट इट कि क्या डालना चाहिए इसमें बेटर होगा। इस टैंक में हम एक ब्लैक या फिर एक ब्लू बैकग्राउंड लगाने का सोच रहे हैं। सबसे पहले हम फिल्टर स्पॉन्ज रख रहे हैं, इसके बाद हम बायो बॉल्स एक्टिवेटेड कार्बन ऐड करेंगे सम में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सिरामिक रिंग्स और बायो बॉल्स डाल दिए हैं। ये एक्टिवेटेड कार्बन है, अब इसकी बारी है। ये भी हम इसको प्लेस कर देंगे सम में हमारे। इस टैंक में एक 60 वॉट का सबमर्सिबल पंप यूज होने वाला है। ये एक 60 वॉट का पंप है। अब टैंक को हमने कैबिनेट के ऊपर रख लिया है। अब द मेन पार्ट कम्स इन, जो है अंदर की फिटिंग्स। अब अंदर की फिटिंग्स करने वाले हैं हम लोग। इसमें वाटर फिल करने वाले हैं, उसमें अराउंड 400 लीटर्स अप्रॉक्स की वाटर कैपेसिटी है। इसमें हम लोग पीएच रिड्यूस करने के लिए, यहाँ का पीएच लेवल इज क्वाइट हाई, इसलिए पीएच रिड्यूसर और माइक्रोलाइफ H2 यूज कर रहे हैं गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ के लिए। अब हमारा एक्वेरियम पूरा रेडी है साइकिल होने के लिए। अराउंड 7 to 10 days हम इसको साइकिल करेंगे। माइक्रोलाइफ H2 डाल दिया है इसमें हमने, पीएच रिड्यूसर डाल दिया है। अब लेट्स सी कि इसमें फिश कौन सी आने वाली है। ये इस साइड ऑफ द स्क्रीन जो आप देख रहे हैं वो आने वाली है, या इधर जो आप देख रहे हैं वो आने वाली है। लेट्स सी इन दोनों के बीच का बैटल है एंड ऑन क्लाइंट्स डिमांड कौन सा फिश है जो इस टैंक में आने वाला है। जल्दी से जल्दी स्टे ट्यून्ड टू द चैनल देखने के लिए कि इसमें कौन सी वैरायटी फिश आने वाली है। बेस्ट इन क्वालिटी फिशेज ऐड करने वाले हैं हम लोग इसमें, चाहे वो अरवानास हो या फिर डिस्कस हो, दोनों में से जो भी हम ऐड करेंगे बेस्ट इन क्वालिटी ऐड करेंगे। अगला पार्ट आएगा अराउंड जब ये टैंक साइकिल हो जाएगा, मे बी 7 to 10 days वी विल साइकिल द टैंक। उसके बाद तब तक के लिए यू नीड टू स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। इस तरह के और मैसिव प्रोजेक्ट, जो टैंक आप देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा है, 5 feet by 3 feet हाइट बाई 1.5 feet विड्थ, सोबो की तरफ से कंप्लीट ऑटोमेटिक सम सिस्टम के साथ आता है। इस तरह के और बड़े और मैसिव प्रोजेक्ट्स के लिए यू आर वेलकम टू द एक्वापेट वॉल, वी आर रेडी टू सर्व यू। नंबर है 9852042000। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल मैप्स का लोकेशन मिल जाएगा। धनबाद में किसी भी जगह पे टैंक लग जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, फिटिंग भी करके देंगे हम लोग खुद से। प्लीज रीच आउट टू अस, वी आर हियर फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच।